रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट और अब हम देखेंगे पावर इन ए एसी सर्किट। बच्चों कंसीडर किया कि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिससे कि कोई एसी सोर्स कनेक्टेड है। कंसीडर किया कि कोई सोर्स जिसका कि ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी है सर्किट से कनेक्टेड है और सर्किट में आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई करंट किसी समय टी पर पास होती है। सो वर्क डन बाय द सोर्स ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी टू डी टी, सो दिस वर्क डन डी डब्ल्यू, सो दैट इक्वल टू ई आई, दिस इज द पावर इंटू डी टी, सो दिस इज द वर्क डन इन टाइम इंटरवल डी टी। और बच्चों ई एम एफ ई और आई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, सो वर्क डन इन टाइम इंटरवल डी टी, सो दैट इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू डी टी। और इसको मैं सिंप्लीफाई करके ले सकता हूँ, दिस डी डब्ल्यू इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू डी टी। और बच्चों हम साइन ओमेगा टी प्लस फाई को लिख सकते हैं, दैट इज द साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। तो बच्चों ये वैल्यू मैंने जहां पे पुट की, सो फ्रॉम हेयर दिस डी डब्ल्यू दैट इक्वल टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड दैट इज द साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई एंड डी टी। जहां से बच्चों हम इसको लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू दैट इज द ई नॉट आई नॉट कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ई नॉट आई नॉट साइन फाई साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। तो बच्चों ये टर्म होगा आपका डी डब्ल्यू इक्वल टू, दिस इज आपने सिंप्लीफाई किया तो बच्चों जहां तक आप पहुंचे हैं। नाउ वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल, तो बच्चों आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा, सो दिस इज द इंटीग्रेशन। और जो टाइम है बच्चों टाइम इंटरवल आपका जीरो टू टी होगा, सो दिस इज द जीरो टू टी दैट इज द ई नॉट आई नॉट कॉस फाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी E नॉट I नॉट साइन phi साइन ओमेगा t cos ओमेगा t dt। तो प्रीवियस सीट से बच्चों हम जहां तक पहुंचे थे, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज W, और बच्चों आप अगर लोअर एंड अपर लिमिट लगाएंगे सो दिस इज द W। नाउ E नॉट आई नॉट और साइन सॉरी कॉस फाई आपका कॉन्स्टेंट है, यानी फाई क्या है बच्चों, फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द ई एम एफ एंड द करेंट, और ये आपका कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर लेके आते हैं। सो नाउ लिमिट जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। सिमिलरली कॉन्स्टेंट टर्म इज हेयर E नॉट I नॉट साइन phi आपका कांस्टेंट है, और जो रिमेनिंग टर्म है दिस इज द साइन ओमेगा t cos ओमेगा t dt। बच्चों ओवर द वन साइकिल साइन स्क्वायर ओमेगा t dt की जो वैल्यू बच्चों होगी दैट इज द t बाई टू,
और हम ये भी पता है कि ओवर द वन साइकिल 0 to t कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की वैल्यू बच्चों ये भी आपकी टी बाई टू ही होगी। इसको आप सिंप्लीफाई करके देख भी सकते हैं। सो फ्रॉम हेयर द वर्क डन दिस डब्ल्यू दैट इक्वल टू ई नॉट आई नॉट कॉस फाई एंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस दैट इज द टी बाई टू, और बच्चों इसको आगे लिख सकते हैं प्लस ई नॉट आई नॉट साइन फाई एंड इंटीग्रेशन 0 to t। बच्चों आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें तो आपका एक्सप्रेशन होगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, और आपने 2 से डिवाइड किया तो बच्चों 2 में बाहर लेके आता हूँ। सो फ्रॉम हेयर दिस वर्क डन दैट इज द ई नॉट आई नॉट कॉस फाई टी अपॉन 2 प्लस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन फाई एंड दिस इज द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t दिस इज द साइन 2 ओमेगा टी डी टी। सो ओवर द वन साइकिल साइन 2 ओमेगा टी डी टी की बच्चों वैल्यू 0 होगी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर द वर्क डन ड्यूरिंग द वन साइकिल बाय द सोर्स इन एसी सर्किट सो दैट इज द ई नॉट आई नॉट कॉस फाई, और बच्चों 2 को लिख सकते हैं यहाँ पर हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू टी, और जो बच्चों रिमेनिंग टर्म है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आपका 0 होना है तो जो रिमेनिंग टर्म है ये आपका 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय द सोर्स ड्यूरिंग वन साइकिल सो दैट इज द ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 इंटू कॉस फाई इंटू टी, और जहां से बच्चों अगर मैं टी से डिवाइड करूं सो दिस इज द वर्क अपॉन टाइम दैट इज द ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 सो दिस इज द ई आर एम एस एंड आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 सो दिस इज द आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। सो डब्ल्यू अपॉन टी सो दिस इज द पावर इन ए सी सर्किट सो पी इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो बच्चों ये आपका पावर के लिए फॉर्मूला हो गया है जहां पर कॉस फाई हमारा पावर फैक्टर है। सो पावर इन एसी सर्किट दैट इज द ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई वेयर फाई इज द पावर फैक्टर, और बच्चों जो फाई है दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द EMF of the source and the current in circuit। तो बच्चों पावर इन AC सर्किट के लिए आपने फॉर्मूला ड्राइव किया है सो दिस P इक्वल टू ERMS IRMS into cos phi। तो बच्चों हमने जाना कि जो phi है ये फेज डिफरेंस है बिटवीन द करंट एंड द EMF ऑफ द सोर्स, और बच्चों अगर मैं केवल प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करूं तो वहां पर जो करंट यानी आई करंट एंड ईएमएफ के बीच में जो फेज है सो यहां पर जो फेज फाई है बच्चों दैट इक्वल टू 0। तो हम बात करेंगे पावर इन एसी प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सो पावर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट तो जो जहां पर आपका फाई की वैल्यू 0 है सो पावर इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट सो दिस इज द ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है
तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपकी जो पावर होगी वो आपकी ERMS इनटू IRMS के इक्वल होगी, और पावर इन प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट की अगर हम बात करें, सो द फेज डिफरेंस दैट इज द फाई बिटवीन द करंट आई एंड EMF ई, सो दिस फाई इज 90 डिग्री। अगर मैं प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करूं तो वहां पर सर्किट में सोर्स का EMF ई और सर्किट में पास होने वाली करंट के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा। सो पावर इन प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट, सो दैट इज द पी, दिस इज द ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू बच्चों 0 होती है। सो फॉर पावर इन प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट इज 0। तो बच्चों किसी भी ऐसी सर्किट के लिए हम करंट और EMF के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो phi को फाइंड आउट कर सकते हैं, और phi फाइंड आउट करके हम कॉस फाई की वैल्यू फाइंड आउट करके उस किसी भी एसी सर्किट में जो पावर पावर होगी यानी एसी सोर्स के द्वारा जो पावर होगी सो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों।